मैं रफत नसीम खबर आसनसोल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जुमे के रोज बोरो 4 के इलाके में डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा ने मीटिंग की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुहर्रम और दुर्गा पूजा से कबल ही शहर में लाइट के इंतजाम पर अभी से निगहदाश्त की जा रही है। 4 नंबर बोरो के चेयरमैन दयामे राय, काउंसिलर उमेयो और शिखा घटक इस मौके पर मौजूद थे। तुम तो कंपोर्ट में लिख देते हैं, मालूम है तुमको? व्यवसाय तुम व्यवसाय कर रहे हो, फ्लैट बना रहे हो, कौन? रेजल्ट दिस जीरो, रेजल्ट जीरो। हमारे सप्लाई में एक कोई प्रॉब्लम है, सप्लाई में देखिए हमारा ऑनलाइन जरा ओके नेकेज हुए थे, नेकेज हुए थे। अरे इतना कारण है क्या? कौन को कौन बोलो? कौन था कौन बोलो? आप लोग खाएं ना कसम आप लोग पढ़ो। आजा आजा लोग कहाँ दिस लोग सो गोरखपुर में हम लोगों ने मीटिंग की है इलेक्ट्रिक का प्लांटेशन के लिए। दुर्गा पूजा आने वाला है, 4 दुर्गा पूजा से पहले हर इलाका में किसी भी तरह का लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मेंटेनेंस अच्छा से हो, इसीलिए आज हम लोगों ने बोरो चेयरमैन हमारे काउंसिलर भी हम लोग सब ने मिलकर मीटिंग की। यही सिद्धांत हुआ कि आज कर जितने भी काउंसिलर आए हैं उन सब ने यही कहा है कि आप लोग एक हफ्ता के अंदर अपना अपना पैर में लीजिए, किस चीज के वार्ड में क्या प्रॉब्लम है, दुर्गा पूजा से पहले इसको ठीक करेंगे। पूरा कोशिश करें। अभी कौन कौन से वार्ड में ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है? देखिए अभी वार्ड में सभी वार्ड अभी अच्छा चल रहा है। बोरो चेयरमैन ने कहा कि अभी सभी वार्ड सही चल रहा है, किसी का वार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ठीक है, फिर भी ऐसा देखते हैं किसका वार्ड में क्या प्रॉब्लम है। हम लोग एक हफ्ता के बाद सारा हम लोग यहाँ पर फिर से मीटिंग करेंगे, हम लोग इस बारे में फिर से बात करेंगे। तो पेड़ कहाँ लगाएंगे आप लोग? गाछ का बात है तो इस एरिया में जितने भी स्कूल है, हाई स्कूल है, सारे स्कूलों में हम लोगों ने प्लांटेशन दिए 10-10 करके, और हर स्कूल के हेड टीचर से कहा है कि बोरो चेयरमैन और काउंसिलर के साथ मिलकर एक प्रोग्राम करें और प्लांटेशन का इसे हर स्कूल में प्रोग्राम करें। इस बार हम लोगों ने टीचर और स्टूडेंट को जोड़ा है कॉर्पोरेशन। आसनसोल जवाहरलाल स्कूल में गोस्वामी तुलसीदास का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर रामायण के खालिक तुलसीदास की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश किए गए। स्कूल इंतजामी कमेटी के सदर मनोज यादव, बीसी कॉलेज के सदर शोभा विजय नारायण, कृपा शंकर व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पाकबंदी में दूसरा खून हत्या कैंप मुनाकिद हुआ। HN मिश्रा, प्रबीर धर व दिगर इस मौके पर मौजूद थे। मजमुई तौर पर 60 अफराद ने रजाकाराना तौर पर खून हत्या किया। Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, which is a diploma engineering college. আমরা প্রতি বছর এই 12ই আগস্টে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটোপাধ্যায় সহ শ্রী বাপন ব্যানার্জি, অমর চ্যাটার্জি সহ আরও অনেকে এখানে ওপেনিং করে গেছেন।
এবং আমরা সেই দিন থেকে আজও পর্যন্ত যেভাবে পা দিয়েছি প্রত্যেকটা স্টেপে, তাতে আজকে আমাদের দ্বিতীয় বর্ষে ফাউন্ডেশন ডে, থার্ড ফাউন্ডেশন ডে। এই ফাউন্ডেশন ডে এমনভাবে আমরা উদযাপিত করি, সমস্ত নিজেদের ইন্টারনাল স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি এবং এখানকার যারা কর্মীবৃন্দ আছে তাদেরকে নিয়ে, আর আমাদের মাননীয় শ্রী প্রবীন্দ মহাশয় তার সহযোগিতা করেন প্রতি বছরের জন্য এই দিনটিতে, যাতে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করতে পারি। ব্লাডের অনেক সময় একটু শর্টেজ দেখা দেয়, সেটাকে আমরা কীভাবে পরিপূর্ণ করতে পারি তার জন্য আমরা সচেষ্ট থাকি। তাই আমাদের এই ফাউন্ডেশন ডেতে প্রতি বছরই আমরা এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করে ব্লাড ডোনেট করার জন্য আমরা দিনটিকে উদযাপন করি, এবং সেই সঙ্গে আমরা প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম করি, সেখানে গাছ লাগানো হয় এবং আমাদের স্টুডেন্ট, আমাদের ফ্যাকাল্টি, আমাদের আরও যারা রয়েছে তারা সবাই সচেষ্ট থাকে। প্রত্যেকেই জানেন যে পশ্চিমবাংলায় আজকে 135 বছর যাবত যে রক্তদান আন্দোলন চলছিল, সেই রক্তদান আন্দোলনকে সামনে রেখে আমরা পশ্চিমবাংলার সরকারি 65টি ব্লাড ব্যাঙ্কের মধ্যে আমরা বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব এবং এই জেলায় যেটা আমাদের 8টি সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের অন্যতম, আসানসোল জেলা হাসপাতাল সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক, এবং সেই সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে আমরা আপটু কাকসা পর্যন্ত আর আপটু বরাকর পর্যন্ত বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। এবং আজকে যেটা অভূতপূর্ব, আমাদের এই যে কলেজ আমার পাশেই রয়েছেন, মানে ডাইরেক্টর আমার এইচএন বিশ্ব মহাশয়, যার নেতৃত্ব এবং যার সহযোগিতা, এবং আমার পাশেই ম্যাডাম রয়েছেন প্রিন্সিপাল এই কলেজে। নাজরীন, বক্ত চলা হ্যায় মুক্তসর সে বক্ফে কা। कहते हैं कि जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता उसकी हिफाजत खुदा भी नहीं करता। हर आदमी के अंदर सेल्फ डिफेंस की सलाहियत छुपी होती है, जरूरत है उसे बाहर लाने की। और उसमें मजीद इजाफा के लिए कराटे मास्टर शहजाद हुसैन से मिले। 4 साल के बच्चों से लेकर लड़कियों तक के लिए 35 वर्षों से खिदमात पेश कर रहे हैं। कराटे, किक बॉक्सिंग, मुआ थाई, मार्शल आर्ट, योगा, एरोबिक एंड फिटनेस की तरबियत हासिल करने के लिए सेल्फ डिफेंस तरबियतकार शहजाद हुसैन से राब्ता करें। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 31 बेलडांगा में जहर अफशानी से तालाब की ढेरों मछलियां मर गई। इस वाक्य से इलाके में गम व गुस्से का माहौल है। কতটা মাছ ছিল এটা? মাছ ছেড়েছিলাম আপনার, ইয়ার আগে ছেড়েছিলাম আপনার 10,000 টাকা, আর ফির বড় মাছটা ছিল আপনার সব মরে গেছে। কি কারণে মরে গেছে? মরিচগুলো 20-30। কত নোকসান হয়েছে আপনার? লোকসান তো বহুত হয়েছে, মাছ আপনার লোকসান 80 কিলো মতন, আর ছোটো মাছ তো ছিল আপনার 10,000 টাকা বাটাটা, সেটাও মারা গেছে। কী কী মাছ ছিল ওটাতে? মাছ ছিল রুই, কাতলা, মিড়ি আর বাটা ছিল। কদিন ধরে এরকম হয়েছে, কখন শুনতে পারলেন? এটা হয়েছে আপনার আজ 2 দিন আগে। মাছকে শুনতে পারলেন? আমরা সকালে ভোরবেলা খাওয়া গেলাম, কাল থেকে মাছগুলো ভেসে ভেসে উঠছে। হ্যাঁ, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কী ঘটে যায় এখানে, কিন্তু 60-70 কেজি মাছ আমাদের দেখা যাচ্ছে ভেসে উঠেছে। কারণটা আমরা জানি না, এবারে দেখছি কর্পোরেশনে একটা আমরা গিয়ে এটা ঘটনাটা কীভাবে ঘটলো এটা জানতে হবে আমাদের।
এবারে ইনকোয়ারি করুক, তারপরে বোঝা যাবে কি ব্যাপারটা। नाज़रीन कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर से आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।